Actress Ghana Vashisht, aka Vandana Tiwari, who has always been surrounded by controversies, is once again in the news. This time, the actress has made serious allegations against TV Zarina Ekta Kapoor. The actress said that she has been cheated by the production house of Lockup Team and was made to sit at home for 4.5 months and later terminated her contract. मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने इन्हें अप्रोच नहीं किया था. मैं इनके पास काम मांगने नहीं गई थी. इनकी कास्टिंग टीम का मुझे कॉल आया था कि हम लोग एक रियलिटी शो कर रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होगा बिग बॉस जैसा, बट बिग बॉस नहीं है. सो करते हैं अर्ली. मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई इशूज़ ना हो जाएँ. बट स्टिल देन इन्होंने मुझसे कहा चलो एक मीटिंग कर लेते हैं. मैं फ़र्स्ट मीटिंग करके आई एंडम और शाइन इंडिया में, जहाँ पे मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई. जूम कॉल पे मेरी शो के क्रिएटिव हेड से बात हुई. देन दे वर लाइक हम ये शो कर रहे हैं. 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया पेमेंट को लेकर के. फाइनली हम लोग एक पॉइंट पे आए कि मैं 1.5 लाख रुपीज़ पर वीक ले रही हूँ. मेरे पास कन्फर्मेशन लेटर आ गया, मेरे पास सब कुछ हो गया. उसके बाद मेरी इनके टीम मेंबर से, क्रिएटिव हेड, ईपी, चैनल वाले सबके साथ में जूम कॉल पे बात हुई. और वहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा आपको पता है हमारे शो की होस्ट कौन है. देन फाइनली मुझे पता चला कि कंगना रनावत ये शो कर रही है. उनका पहला क्वेश्चन कि आपको कोई इश्यू तो नहीं कंगना कर रही है, क्योंकि देयर वर मैनी आर्टिस्ट जिन्होंने छोड़ दिया ये शो जब उनको पता चला कि कंगना रनावत कर रही है शो. मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कोई इशू नहीं, वो अपना काम कर रही, मैं अपना काम कर रही हूँ. फिर एक दिन एक पॉइंट पे आते हैं कि नाउ यू शुड स्टार्ट शॉपिंग. मैंने कहा चलो ठीक है. तो उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी सी लिस्ट आई जहाँ पे इट वाज रिटन वेरी क्लियरली कि आपको ऐसे बैग कैरी करने हैं, उस पर कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, कोई प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कोई फेमस कार्टून नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. पूरी की पूरी शॉपिंग बदलनी पड़ गई, पूरे सामान चेंज करने पड़ गए. 2 से 2.5 लाख की सिर्फ शॉपिंग हुई. मैं ये अमाउंट इसलिए मेंशन कर रही हूँ, बहुत छोटा पैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बट जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल से कोई काम नहीं किया, तो मेरे लिए मैटर करता है. अगर आपको मुझे शो में नहीं लेना था तो आपको मुझसे इतने फालतू के खर्चे नहीं करवाने थे. अब आप कहोगे कि वो कपड़े तो मैं पहन सकती हूँ, तो वैसे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ जो मैं जेल के अंदर पहनने के लिए मैं खरीद रही हूँ. जेल में पहनने के लिए मैं ट्रैक ले रही हूँ, मैं शूज़ ले रही हूँ जो ब्रांड्स वाले नहीं हैं, क्योंकि आप मुझसे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कराओगे. तो मैंने सिर्फ आपके लिए शॉपिंग की. उसके बाद मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ कि क्या मैं कोई दूसरा शो पकड़ लूँ. आप लोग अरे नहीं 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 आप कैसे शो कर सकती हैं, आप बालाजी का शो कर रही हैं. अगर आप कोई दूसरा काम करेंगी और वो रिलीज़ हो गया तो उनको सारी TRP मिल जाएगी, उनको सारा बेनिफिट मिल जाएगा, आपने मुझे शो नहीं करने दिया. देन आप लोग आप तो कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपकी डेट तक क्लियर नहीं होती. आप मुझे 28th से क्वारंटीन में भेजने वाले थे और 18th को आप मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीक में एंटर नहीं हो रहे हैं. 28th को हम लोग कालिया मैदान फिल्म सिटी में जाकर आपके पोस्टर शूट कर रहे हैं, आपके टीज़र शूट कर रहे हैं, आपके ट्रेलर शूट कर रहे हैं, आपके बाइट शूट कर रहे हैं. आपका कोई प्लान नहीं. आपको मैं पूछती हूँ मैं कब जा रही हूँ, आप कहते हैं आप अगले हफ्ते जा रहे हैं. अगले हफ्ते पूछती हूँ आप अगले हफ्ते जा रहे हैं. आपका कोई सेटअप नहीं है, आप कुछ नहीं बताते हो. और फिर अगर कोई स्टैंड लेता है तो आप लोग कहते हो आर्टिस्ट गलत बोल रहा है, वो कॉन्ट्रोवर्सी कर रहा है. क्यों ना आर्टिस्ट स्टैंड ले. When Ghana was asked, don't she think that her allegation against Ekta and her team can put her in trouble? To this, Ghana said, इससे ज़्यादा क्या backfire होगा? आपने मुझे 4.5 महीने घर पे बैठा दिया, इससे ज़्यादा क्या backfire कर लोगे? Backfire तब होती है चीज़ें जब आप पे कोई trust करता है. मैंने आप पे trust किया इसलिए मैं बेवकूफ़ बन गई. मैं आप पे दोबारा trust नहीं करूँगी. क्या होगा? आप मुझे काम नहीं दोगे. आपने मुझे आज कौन सा काम दे दिया कि आज मैं आपके बड़े गुणगान करूँ? अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जैसे बाकी लोग करते हैं. बटरिंग तो मुझसे वैसे भी नहीं होती, आपको शुरू से पता था. बूट लिक करने वालों में से मैं नहीं हूँ कि आपसे मुझे काम चाहिए तो मैं कल से जी हुजूरी करने लग जाऊँ. मैं नहीं करूँगी. आपको काम देना आप दोगे, नहीं देना नहीं दोगे. एंड मार्क माई वर्ड्स, आज मैं कह रही हूँ, आज की डेट आप याद रख लो, 18th of April 2022. आज मैं कह रही हूँ ये एकता कपूर के साथ मैं जीवन में कभी काम नहीं करूँगी. जिस लेडी की अपनी ज़ुबान की वैल्यू नहीं है, आपके कमिटमेंट्स की वैल्यू नहीं है, आप किसी के समय की कीमत नहीं करते. लॉकअप स्ट्रीम्स ऑन MX प्लेयर एंड ऑल्ट बालाजी.